प्रणोनी महाराज, समय अच्छा होता है ना आपका जब समय अच्छा चलता है तो आपकी गाड़ी के आगे 10 गाड़ी ने पीछे भी 10 गाड़ी चलेगी, कितनी गाड़ी। आपका समय अच्छा रहेगा तो आप जब महाराज पैदल चलोगे तो 10 जना साथे चलेगा, 10 नहीं 50 जना चलेगा अगर समय अच्छा हो तो। और जो ही समय बिगड़ी जावे ना तो हाल चाल पूछने वाला भी नहीं मिले कि कहीं आओ। और सुनना साहब, अच्छे समय में साथ दे वो साथी नहीं जो बुरे समय में हमारा साथ ना छोड़े, वही सच्चा साथी माना जाता है। ध्यान देना, आचार्य कह रहे हैं समय बिगड़ा, और जब समय बिगड़ा ये देवराज महाराज शरीर जब तक इसका अच्छा था, चोरी करता था, ठगी करता था, जो सब मित्र थे, जब इसके शरीर में ज्वर लगा, बीमारी लगी, और जब बीमारी लगी बुढ़ापा आया, सब लोगों ने इसे छोड़ दिया महाराज, सब लोग इसके धन को लेकर चले गए। आखिरी में इसने सोचा कहाँ जाऊं। और सुनना साहब, जब दुनिया ठोकर मारती है, जिसको दुनिया ने ठोकर मारी है, जब दुनिया दरवाजा बंद कर लेती है तो भले ही दुनिया के दरवाजे बंद हो जाए पर एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, वो है मेरे भोलेनाथ का दरवाजा महाराज। कभी भी मेरे भोलेनाथ के दरबार में पट बंद नहीं होता है, ना तो पट बंद होता है। देखना आप, सब भगवान के सबके दरवाजे बंद हो सकते हैं, दुनिया वालों का तो पहले हो जाएगा। जब बुरा समय आता है तो भाई का दरवाजा बंद, लेकिन अच्छे समय जब जब जेब में लाखों होते हैं तो लाखों देने वाले हजार मिल जाते हैं, और जब जेब में कुछ नहीं होता है तो पूछने वाले भी कोई नहीं मिलते हैं। और अच्छा समय रहता है तो गलती से कोई महाराज मिस कॉल भी चल जाए 10 बार फोन लगा देगा, और बुरो समय आवे तो कितना ही फोन लगाओ उठावेगा पानी महाराज। बोलो राधे राधे। तो संसार में अपना कोई को नहीं, अपनो है तो खाली भोलेनाथ। यहाँ शिवपुराण में आओ तो शिव जी से कहना मंदिर में जाकर, भगवान अन्यथा शरण नास्ती तुम्हें शरण मत अस्मात कारण भावेन रक्षसो पार्वती नाथ, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, आप मेरे हो, बस आप मेरे हो। अन्यथा शरण नास्ती, मैं दूसरे किसी की शरण में नहीं, भोलेनाथ आपकी शरण में। और महाराज सभी होते हैं रिश्तेदार, जब पैसा पास होता है बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास। अरे निर्धन गिरे पहाड़ से तो पूछ, और करोड़पति काटा लगे तो पूछे लोग हजार, कई मेघो सा। यहाँ कहा गया है भक्त और भगवान की, महाकाल महाराज की, राधे राधे। देवराज महाराज जब सबके दरवाजे बंद हो गए ना, देखना आप दुनिया का दरवाजा पहले बंद होता है, पर यहाँ मेरा भोलेनाथ ही ऐसा है जिसके यहाँ कभी पर्दा नहीं लगता, कभी पट बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? भोलेनाथ कहता है कभी भी आ जाना, सुबह आ जाना, दफोरी में आ जाना, शाम को आ जाना, रात को आ जाना, आधी रात को आ जाना, चाहे दुनिया सो जाएगी, चाहे दुनिया दरवाजा बंद कर लेगी, पर तू कभी भी आ जाएगा। मैं बैठा हूं, मैं तेरे लिए हमेशा महाराज मेरा दरवाजा खुला है, आ जाना। जो मेरे पास आएगा उसका काम ना तो भोलेनाथ के दरबार में पट है, ना ही इनके दरबार में कोई कपट है, और ना ही कोई खटपट है। पट भी नहीं है, ना तो पट ना कपट महाराज। इनके साथ लोगों ने जरूर कपट किया, भस्मासुर गया, भस्म कंगन मांग लिया, और भस्म कंगन भगवान शिव जी के समाज, भगवान शिव जी की तपस्या की, शिव जी का तप करके शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहिए? बोले आपके आपके हाथों में जो भस्म कड़ा है ना सो दे दो। और शिव जी तो महाराज कोई कपट नहीं, शिव जी सरल है, बिना सोचे समझे जो दे दे वो भोलेनाथ उतार के दे दे, ले तू धारण कर ले। बोले भोलेनाथ काम करता है ये भस्म कंगन, चलता है कि नहीं चलता? बोले चलता है। बोले कैसे चलता है? बोले जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। बोले भोलेनाथ एक बार प्रैक्टिकल करके देखो, एक बार देख ले। बोले मैं आपके सिर पे रख के देखता हूँ। भोलेनाथ क्या भैया मैं दियो, तुम हरे जाने भस्म करे। भक्त और भगवान की महाराज इसकी विचित्र कथा, आचार्य कहते हैं फिर शंकर फिर विष्णु भगवान आए, मोहिनी रूप बनाया, नृत्य किया भगवान विष्णु ने, और विष्णु भगवान पर ये भस्मासुर मोहित हुआ, और मोहित होकर महाराज इसने अपने ही सिर पे हाथ रखा और ये भस्म। तो यहाँ कहा गया है शिव जी के दरबार में कोई कपट नहीं, शिव जी के यहाँ कोई खटपट नहीं, परम शांति वो भोलेनाथ। बोलो शंकर भगवान की। तो देवराज आखिरी समय में आचार्य कहते हैं गीता जी का क्या तात्पर्य है सुनाने का, सुनना साहब, जीव सुने नहीं सुने, ये दुनिया की कथा थोड़ी है। कुछ लोग कहते हैं ना कथा में गया, कथा महाराज ने बातचीत, तो महाराज ने बातचीत तो आई सुनी ना, आई सुनी नहीं, यूं काट दी महाराज तो कहीं हुई हो? बोले वहां गया, कथा बची, कथा में आरती हुई, कथा आई सुनी, आई काट दी, फिर आरती हुई महाराज,
झटकार दी। बाकी दोनों को प्रसाद जी ने घर घर वाला पूछे कहीं लाया कथा लाया नहीं लाया, बोले कथा तो नहीं लाया पर दोनों बनी रहे प्रसाद जरूर लाया महाराज भक्त और भगवान की। उधर राजे राजे ध्यान देना महाराज आचार्य कहते हैं श्री शिव महापुराण कथा गीता जी भागवत कथा देवी पुराण पद्म पुराण ये दुनिया की कथा थोड़ी है जो यूं सुनी नहीं यूं काट दे। अरे कल्याण होगा कि नहीं होगा भले जिसकी छुट्टी डॉक्टर कर दे भले ही उसको गीता जी सुनाए सुनना साहब अगर दुनिया की कथा होगी तो काम नहीं करेगी पर भगवान की कथा है ना भले ही इधर सुने वो इधर निकल जाए पर जितनी देर हमारे घट में रहेगी उतनी देर में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा उतनी देर में भला हो जाएगा। भगवान की कथा है दुनिया की थोड़ी है। राधे राधे तो यहाँ देवराज जब सब कुछ सब दरवाजे बंद हो गए तो इसको भगवान का दरवाजा नजर आया और शरीर में पीड़ा है शरीर में ज्वर है और भारी भयंकर इसका शरीर तप रहा है महाराज। फिर भी शिव जी के मंदिर में गया और शिव मंदिर में जाकर देखा तो कथा हो रही थी शिव पुराण। अब जिसने कभी कथा सुनी नहीं उसका मन लगेगा क्या कथा में? जिसने कभी कथा में गया नहीं कभी कथा सुनी नहीं उसका मन लगेगा? अब इससे कथा में जाकर बैठा और कथा में जाकर बैठा सुनना साहब श्रद्धावानम लभते ज्ञानम जिसकी श्रद्धा होगी उसे ही ज्ञान की प्राप्ति होगी जिसका विश्वास होगा।